हेलो एवरीवन, मैं हूँ रुचि, डू इट विद रुचि में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी सेव टमाटर की सब्जी बनाना। ये रतलामी सेव होती है, इनकी सब्जी बनाना बताऊंगी मैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। जब आपके घर में कोई भी सब्जी अवेलेबल ना हो और आपको समझ में ना आ रहा हो कि क्या बनाएं, तब आप ये सेव टमाटर की सब्जी बना सकते हैं। इसको आप पूड़ी, पराठे या फिर रोटी किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आइए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कप सेव लिए हैं, ये रतलामी सेव हैं, तो मैंने यहाँ पर 1 कप सेव लिए हैं। 2 प्याज लिए हैं, इनको मैंने रफली चॉप्ड कर लिया है। इसको हम मिक्सी के जार में पीस लेंगे। और मैंने यहाँ पर ये 2 हरी मिर्च ली हैं और 1 टमाटर लिया है बड़े साइज का, इसको भी रफली चॉप्ड कर लिया है। तो एक मिक्सी का जार लेंगे, इसमें हम ये प्याज डालेंगे और इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और पानी डाल के इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो मैंने ये प्याज का पेस्ट तैयार कर लिया है, इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे। और अब हम टमाटर को भी पीस लेंगे मिक्सी के जार में डाल के, इसको भी हम पीस के इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसी के साथ हम ये हरी मिर्च भी डाल देंगे, तो इसका भी मैंने एक पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई रख देंगे और इसमें हम 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देंगे। इसको हम गरम होने देंगे। तो ऑयल हमारा गरम हो चुका है, तो 1 छोटी चम्मच इसमें हमने जीरा डाल दिया है। जीरे को हम भूनने देंगे। तो जीरा हमारा भून गया है, तो 1/4 टीस्पून इसमें हम हींग डाल देंगे। अब जो हमने प्याज का वो पेस्ट बना के रखा था वो डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको हम भूनने देंगे 2 से 3 मिनट तक प्याज को। तो मुझे प्याज को भूनते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं, तो प्याज अब भुन गया है। तो जो हमने टमाटर का पेस्ट तैयार किया था अब वो हम पेस्ट डाल देंगे और इसको भी हम मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। तो 2 से 3 मिनट मुझे हो गए हैं, तो प्याज और टमाटर जो हमारा था वो अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाला है, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाला है और इन मसालों को अब हम मिक्स कर देंगे। अब थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे जिससे कि हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से पक जाएंगे, भुन जाएंगे। इसमें नमक डाल देंगे, तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच नमक डाला है क्योंकि नमक की क्वांटिटी हमें थोड़ी कम ही रखनी पड़ती है, क्योंकि जो सेव होते हैं हमारे वो भी नमकीन होते हैं, तो इसलिए नमक थोड़ा डालना पड़ता है सही से। तो मैंने यहाँ पर 1 पिंच रेड फूड कलर ऐड कर दिया था, इससे जो हमारी सब्जी का कलर है वो बहुत अच्छा आएगा। अगर आप कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहे हैं तो फिर आपको फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं है, या आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, बिना फूड कलर के भी बना सकते हैं। तो अब हम अपने मसालों को अच्छे से भूनने देंगे। इसमें 4 से 5 मिनट लगेंगे मसाले भूनने में। तो हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, ऑयल छोड़ने लगा है, मसाला जो है वो तेल छोड़ने लगा है, आप देख सकते हैं। तो इसमें अब हम 1 कप पानी डाल देंगे और पानी में हम बॉयल आने देंगे। तो अब इस टाइम पे आप गैस का फ्लेम हाई कर सकते हैं और हाई फ्लेम पे इसमें हम पानी में बॉयल आने देंगे अच्छे से। तो जो पानी में है वो हमारा उसमें बॉयल आने लगा है, पानी खौलने लगा है। तो अब इसमें हम जो हमारे सेव हैं 1 कप वो डाल देंगे और इसको बस 2 मिनट तक इसी तरीके से हम पकने देंगे। इसको बहुत ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगता है और ना ही इसको हम बहुत ज़्यादा देर तक पकाएंगे। 2 मिनट बाद बस अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और हमारी जो सेव की सब्जी है वो ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये 1 टीस्पून गरम मसाला डाल दिया है और इसको मिक्स कर देंगे और अपनी सेव टमाटर की सब्जी हमारी बिल्कुल तैयार है, इसको सर्व कर लेंगे। तो सब्जी हमारी बनकर के बिल्कुल तैयार है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।